गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज संदीप कुमार आर्यन। मैं फिर से वापस आ गया हूँ। सर, आज हम बात करने वाले हैं सर VBU UG का जो पोल साइंस, जिनका भी ऑनर्स है सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस जिनका भी ऑनर्स है, उसका जो दूसरा पेपर है यानी C6, उसका देखो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर के आया हूँ। इनमें से सर आंसर यानी 4 क्वेश्चंस, इनमें से 4 क्वेश्चन से आपका आंसर करना है, जिसमें 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। 1 क्या है सर जी? 1 में 10 MCQ है और 2 शॉर्ट आंसर्स है। चलो बिगिन करते हैं MCQs के साथ। When was Plato born? Plato का जन्म कब हुआ था? 427 BC, 384 BC, 410 BC, 318 BC। गाइज, आंसर्स के लिए आप गूगल में क्वेश्चंस टाइप करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? और जिनका आंसर्स टिक आउट भी है तो उन पे भी कंफर्म मत रहना, वो गलत भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोज आइडियल स्टेट इज? प्लेटो का आदर्श राज्य है प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक, प्रैक्टिकल एंड अनसाइंटिफिक, व्यवहारिक और अवैज्ञानिक, इम्प्रैक्टिकल एंड आइडियलिस्ट, अव्यवहारिक और आदर्शवादी, प्रैक्टिकल एंड डेमोक्रेटिक, व्यवहारिक और प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? ए प्लेटो और एरिस्टोटल या अरस्तु, सीसेरो, सीसरो और नन ऑफ द एम, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एरिस्टोटल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक पॉलिटिक्स इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? अरस्तु की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? 8 पार्ट्स, 8 भागों में, 10 पार्ट्स, 10 भागों में, 11 पार्ट्स, 11 भागों में और 12 पार्ट्स, 12 भागों में। नेक्स्ट, विच एंशियंट फिलोसोफर हैज कॉल्ड स्टेट अ कम्युनिटी ऑफ लॉ? किस प्राचीन दार्शनिक ने राज्य को एक विधिजन्य समुदाय कहा है? सीसरो ने, ऑगस्टाइन ने, सुकरात या सोक्रेट्स ने और डी एरिस्टोटल अरस्तु ने। एफ, संत ऑगस्टाइन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी? सेंट ऑगस्टाइन किस महाविश्वविद्यालय के छात्र थे? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कार्थेज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, हु रॉट द बुक द सिटी ऑफ गॉड्स? द सिटी ऑफ गॉड किसके द्वारा रचित है? एरिस्टोटल अरस्तु द्वारा, सीसरो द्वारा, हेनरी फोर्थ द्वारा, हेनरी चतुर्थ द्वारा और संत ऑगस्टाइन द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मार्शिलियो? मार्शिलियो का पूरा नाम क्या है? मार्शिलियो डी मेनोरडिनो मार्शिलियो डी पूरे मार्शिलियो फोर्थ मार्शिलियो चतुर्थ और GH मार्शिलियो। नेक्स्ट, हु रोड द पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स किसके द्वारा रचित है? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, सीसरो द्वारा, सेंट ऑगस्टाइन द्वारा। हु अमंग देम इज अ रोमन थिंकर? इनमें से कौन रोमन चिंतक है? सीसरो, प्लेटो, एरिस्टोटल, अरस्तु या फिर सोक्रेट, सुकरात। अब देखो, 1 का B, जिनमें से कोई 2 लिखना है हमको। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चर्च स्टेट कॉन्ट्रोवर्सी? चर्च और राज्य के विवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दूसरा, डिस्क्राइब द 2 क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो? प्लेटो के आदर्श राज्य की 2 आलोचनाओं का वर्णन करें। नेक्स्ट, गिव 3 बेसिक कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन मेंशन्ड बाय अरिस्टोटल? अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख करें। चलो सर, अब हम बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छा एक और टॉपिक ऑप्शन है, डिस्क्राइब 2 क्रिटिसिज्म बाय अरिस्टोटल अगेंस्ट प्लेटो? अरस्तु द्वारा प्लेटो के विरुद्ध की गई किन्हीं 2 आलोचनाओं का वर्णन करें। अब ये जब 1 कंप्लीट हो गया तो बाकी जो ऑप्शंस बचे हैं 2 से 6 तक, इनमें से कोई आपको 3 लिखना है। चलो 1 1 देखते हैं। 2, डिस्कस प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस? प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना करें। 3, गिव द व्यूज ऑफ एरिस्टोटल ऑन आइडियल स्टेट? अरस्तु के आदर्श राज्य पर विचार प्रकट करें। नंबर 4, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द आइडियाज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल? अरस्तु और प्लेटो के विचारों की तुलना करें। नंबर 5, डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ द मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट? मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। नंबर 6, देर इज लैक ऑफ ओरिजिनलिटी इन द फिलोसफी ऑफ सीसरो? इलस्टेट, सीसरो के दर्शन में मौलिकता का अभाव है, स्पष्ट कीजिए। गाइज, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे एंड होता है। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। पसंद आया लाइक करो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ वंडरफुल डे।